G2 ठीक है, G2 क्या G20 सर, नहीं क्योंकि वो जीरो में कमल का फूल ही दिखता था। आप देखिए, हाँ आप देखिए वो आप कभी भी एडवर्टाइजमेंट जी आपका स्त्री नहीं है तो मेहरबानी करके G20 की मजाक मत उड़ाइए। G20 बहुत, अरे मजाक नहीं भाई, लेकिन लेकिन सर शायद माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उनको तो सिर्फ 2G दिखता है, 1G एंड संजी। पीयूष गोयल और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच G20 सम्मेलन को लेकर संसद में बहस देखने मिली। यह बहस ही आज के दिन का हाईलाइट रही, जहां अटकलें लगाई जा रही थी कि कुछ बड़ा इस विशेष सत्र में होगा, वैसा कुछ होते नजर नहीं आया। आज इस वीडियो में बात संसद के विशेष सत्र की और उसी से जुड़े कुछ खास बातों की। 18 सितंबर 2023 का दिन, इस दिन का इंतजार तब से था जब से मुंबई की इंडिया अलायंस वाली बैठक के दिन संसद के विशेष सत्र की घोषणा हुई थी। बिना एजेंडे वाले इस सत्र में क्या होगा, इसके बारे में कई खबरें आ रही थी, लेकिन ठोस तरीके से कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। आखिरकार बात साफ तब हुई जब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आने वाले सत्र की जानकारी दी। जोशी ने कहा कि सत्र के दौरान कुल 8 विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। रविवार को एक सर्वदलीय बैठक में संसद के नेताओं को सूचित किया गया कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर एक विधेयक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश से संबंधित 3 विधेयकों को एजेंडे में जोड़ा गया है। विपक्षी नेताओं का कहना था कि ये विधेयक तो विंटर सेशन में भी लाया जा सकता था, तो इसके लिए एक खास सत्र का क्या काम। संसद के विशेष सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण तरीके से इस सत्र को चलने दें। इस दौरान उन्होंने संसद के भीतर हंगामे को लेकर कहा कि रोने धोने के लिए बहुत वक्त मिलेगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक ये सत्र छोटा है लेकिन बहुत मूल्यवान है, यह ऐतिहासिक फैसलों का सत्र है, ऐसा कहा प्रधानमंत्री ने। हालांकि उन्होंने इस ऐतिहासिक फैसलों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी, इसलिए कई लोगों को ये संभावना दिख रही थी कि हमेशा की तरह इस बार भी मोदी सरकार की ओर से कोई सरप्राइज एलिमेंट जरूर आएगा। खैर बता दें कि पुरानी संसद में ये आखिरी सत्र था, तो आज के दिन भारत के पॉलिटिकल इतिहास के बारे में चर्चा देखने मिली। प्रधानमंत्री ने भाषण शुरू किया जिसमें उन्होंने पुराने संसद भवन को विदाई देते हुए देश के भविष्य का जिक्र करते हुए कहा कि सदन ने देश को आगे बढ़ाने वाले फैसले किए। उन्होंने अपने भाषण में पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव का जिक्र किया। फिर प्रधानमंत्री ने पुरानी सरकारों की अच्छी बुरी बातें गिनवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 की सफलता किसी व्यक्ति विशेष की सफलता नहीं, ये भारत की सफलता है। भारत के प्रति शक करने का एक स्वभाव कई लोगों का बना हुआ है, ये भी कहना था पीएम मोदी का। फिर मौका आया अधीर रंजन चौधरी का। इनके भाषण में भी इतिहास का प्रमाण देते हुए कांग्रेस काल में किए गए कामों का कच्चा चिट्ठा दिया गया। इस दौरान बगल में बैठी सोनिया गांधी ने शिक्षा के अधिकार के ऊपर बात करने की नसीहत दे दी। फिर एक महत्वपूर्ण बात अधीर रंजन चौधरी ने कही, इस सत्र में जब एजेंडा फिक्स करने की प्रक्रिया से विपक्ष को बाहर रखा गया, अधीर रंजन ने मांग की कि अगले संसद सत्र में विपक्ष की मांग के लिए एक दिन होना चाहिए। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारी सदन में एक अब नियम चालू करें, इसमें विपक्ष के लिए सिर्फ एक दिन विपक्ष के लिए डेडिकेटेड किया जाए। उस दिन विपक्ष सब कुछ बोलेगा, विपक्ष को जो मर्जी विपक्ष को बोलते रहेंगे। इसलिए एक दिन विपक्ष के लिए अब रख दिया करो। लोकसभा के बाद हमने राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण सुना, जहां खड़गे ने राज्यसभा में केंद्र सरकार को महंगाई और बेरोजगारी पर घेरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि महंगाई को नियंत्रण करना जरूरी है, नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। खड़गे ने G20 पर तंज कसा और उसके बाद सदन में पीयूष गोयल के साथ गर्मागर्मी हुई। इस पर खड़गे भड़क गए। उन्होंने कहा, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि देश की जब बात आती है तो उसमें हम सब लोग एक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। खड़गे आज एक अलग अंदाज में संसद में दिखे। सरकार को घेरने के लिए वे कविता भी लिख लाए। आइए सुनते हैं उन्होंने इस कविता के जरिए क्या कहा। बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है
तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है। विपक्ष के आरोपों पर पीयूष गोयल ने भाषण किया। संसद में विशेष सत्र में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। उन्होंने पिछले कुछ सालों में सदन के विभिन्न सदस्यों के योगदान को भी याद किया। गोयल ने जब भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तब सुप्रिया सुड़े ने अपने भाषण में उसका जवाब दिया। जवाब में पीएम मोदी द्वारा अजीत पवार के लिए कही हुई बातें उन्होंने याद की। आइए देखते हैं सुप्रिया ने क्या कहा। आप भ्रष्टाचार के लिए कौन सी भी इंक्वायरी लगा दीजिए, वी विल सपोर्ट यू 100% बिकॉज आई रिमेम्बर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कमिंग टू महाराष्ट्र आए थे और तब एनसीपी के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था प्राइम मिनिस्टर जी ने कि इट्स अ नेचुरली करप्ट पार्टी। और उन्होंने दो इंक्वायरी के बारे में कहा था, एक इरिगेशन स्कैम के बारे में और दूसरा एक बैंक के बारे में। आई रिक्वेस्ट यू विथ फोल्डेड हैंड्स विथ फुल ह्यूमिलिटी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है आप पूरी कर दीजिए। आई विल सपोर्ट इट होल हार्टेडली। सो आपने जो भ्रष्टाचार का जो उठाया था प्लीज आप कर लीजिए, वी विल सपोर्ट यू होल हार्टेडली। ये दोनों नहीं और चार भी है, कोई एसीबी जी है और बहुत सारे है। अनदर थिंग दैट यू सेड अबाउट द कांग्रेस विच आई रिपीट दैट दिस इज नॉट अबाउट रिलेशनशिप्स। भाई तो मेरे 800 भाई है पार्लियामेंट में, एक थोड़ी है। इन सब बातों के अलावा आरजेडी के मनोज झा का भाषण भी चर्चा का विषय रहा। इसमें मनोज झा ने 75 वर्ष पर सवाल उठाया और कहा कि आजादी तो 76 साल हो गए हैं और गणतंत्र को स्थापित किए हुए 73, तो 75 साल की बात कहां से आती है। बहरहाल सरकार की आलोचना और विवेचना करने वाले कई भाषण आज संसद में हुए, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई जिसका अनुमान कई लोगों लगा रहे थे। संसद सत्र के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा केसी वेणुगोपाल का कहना था कि हम अभी भी छुपे हुए एजेंडे का इंतजार कर रहे हैं, हमारा पूरा सहयोग है नई इमारत को, बहुत खूबसूरत है लेकिन इसके अंदर क्या होता है यह महत्वपूर्ण है। तो ये था ब्यौरा संसद में हुए विशेष सत्र का। अब आने वाले 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी की निगाहें इसी तरफ है कि क्या मोदी सरकार द्वारा कोई बड़ी घोषणा होने वाली है। मेरी तरफ से आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे थे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।